हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कुछ की हाइलाइट्स ऑफ बजट 2024। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का ये 6th बजट है। तो फ्रेंड्स, ये बजट हमारा इंतरिम बजट है। और फ्रेंड्स, साथ साथ जो हमारी पीएम मोदी गवर्नमेंट है उसके सेकेंड टर्म का ये लास्ट बजट है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा फुल बजट इलेक्शंस के बाद जुलाई में प्रेजेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे इंतरिम बजट में इस बजट में मेन फोकस किन चीजों पर रखा गया है? फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ एंड रेलवे पे हमारा मेन फोकस रखा गया है बजट में। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें जो हमारा डेफिसिट होता है और हमारी बोरिंग्स होती हैं उन्हें रिड्यूस करने के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मेन एम रहता है। और ये रिड्यूस कैसे होती है? ये फ्रेंड, जो हमारी रिवेन्यू है इंक्रीज करके, जो हमारे एक्सपेंडिचर है उन्हें रिड्यूस करके फिस्कल कंसोलिडेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट में कोई भी टैक्सेस पे चेंज नहीं किया। जो हमारा टैक्स रेट है उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये कुछ टाइम तक के बजट है। उसके बाद जो हमारा फुल बजट है वो हमारा जुलाई में प्रेजेंट होगा, जब हमारी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, चाहे वो दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट है कोई सी भी गवर्नमेंट है। उसके बाद जो हमारा फुल बजट आएगा उसमें हमारे टैक्सेस के ऊपर बात की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपना फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 है, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 अप्रैल से स्टार्ट होकर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 मार्च तक चलेगा। फ्रेंड्स, उसके बारे में जो हमारी गवर्नमेंट ने बात किया, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है वो 5.1% GDP का रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, और वही जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 था, मतलब अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक का जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट टारगेट रखा गया था वो रिवाइव डाउन हुआ था, मतलब वो 5.8% रखा गया था हमारे GDP का। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक तरीके के देखिए, जो हमारी 31 जनवरी तक 2024 तक जो हमारा 9 मंथ्स का जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट हुआ है हमारे 9th मंथ का, वो कितना हुआ है? 9.82 trillion हुआ है। जो हमारे एनुअल एस्टिमेट का देखें तो 17.87 trillion हमारा पूरे साल का एनुअल एस्टिमेट निकलता है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-2026 उसमें जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा वो 4.5% तक हमें लाना है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले आपको बताते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। फ्रेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फ्रेंड, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनमें खर्चा करती है, जिसमें वो खर्चा हमारा एक तरीके से वैल्यू हो जाता है। जैसे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना, हमारे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे ब्रिजेस होते हैं, उन्हें बनवाने के लिए जो हमारे एक्सपेंडिचर लगता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट किया है वो कितना क्या है? 11.1 lakh crore का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट किया। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किया गया है वो कितना क्या गया? 30.80 lakh crore का टोटल एक्सपेंडिचर सेट किया गया हमारी गवर्नमेंट ने। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2024 का, फाइनेंशियल 2024 का, वो रिवाइज एस्टिमेट कितना रहा है? 44.90 lakh crore का रखा गया। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस बार हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारा इन्फ्लेशन था, फ्रेंड इस बार हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारा इन्फ्लेशन था उसे मॉडरेट रखा है। और कितना रखा है? 2% से 6% तक हमारी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को मॉडरेट रखा। ओके फ्रेंड्स, और वहीं जो हमारी रियल इनकम है पीपल की वो भी इंक्रीज होगा। कितनी होगी? 50% उसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं रेलवे के बारे में। हम कुछ टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे सबके बारे में। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेलवे के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अनाउंस दैट 40,000 नॉर्मल रेल बुकीज कन्वर्टेड इनटू वंदे भारत। फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट ने वंदे भारत पे भी काफी ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जो 40,000 नॉर्मल रेल बुकीज है उन्हें वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडेड मेट्रो रेल्स एंड नमो भारत विल बी एक्सपेंडेड टू मोर सिटीज। जो हमारे कुछ रेलवे से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हमारे, जैसे कि मेट्रो रेल हो गया, नमो भारत हो गया, उन्हें भी और ज्यादा सिटीज में एक्सपेंड किया जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने 3 more रेलवे कॉरिडोर्स को भी अनाउंस किया गया है। कौन से हैं कॉरिडोर? द पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, द एनर्जी मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर एंड द हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। इन्हें भी हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने ग्रीन एनर्जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ग्रीन एनर्जी। फ्रेंड, ग्रीन एनर्जी की फील्ड में तो हमारी गवर्नमेंट पहले ही काफी ज्यादा कमिटमेंट रख चुकी है। फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि 2070 तक जो हमारी ग्रीन एनर्जी है वो नेट जीरो रखनी है। और वहीं जो हमारे रूफ टॉप सोलराइजेशन हैं वो 1 crore हाउस होल्ड तक हमारे रूफ टॉप सोलराइजेशन प्रोवाइड करने हैं। ओके, मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमें हर महीने बनाने कितनी
300 यूनिट तक की हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमें हर महीने बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स साथ साथ हमारे 2030 तक हमें कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी बनानी है 100 मिलियन टन तक की, जो हमें 2030 तक सेटअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने टूरिज्म के बारे में। स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट ने हर स्टेट्स को ऐसे इनक्रेज किया है कि जो हमारे आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनमें उन्हें कुछ डेवलपमेंट्स किए जाए, ताकि जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सकें हमारे टूरिज्म से, मतलब बाहर से लोग ज़्यादा ज़्यादा घूमने के लिए आए इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ऐसे कुछ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर हैं उनमें डेवलपमेंट होगा तो स्टूडेंट्स उसके साथ साथ हमारे जो रेटिंग सिस्टम बेस्ड हैं वो भी करवाए जाएंगे, जिससे कि अगर रेटिंग दी जाएगी ताकि हर टूरिस्ट सेंटर अपने कुछ अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, कुछ नई नई सर्विसेज को भी लगा सके। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि रेटिंग की वजह से सब देखते हैं कि हमारी रेटिंग कम है या ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जितने रेटिंग कम होंगी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज और वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोला है जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं हमें भी प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे वहाँ पे टूरिस्ट के लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड हों, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो हमारे पोर्ट्स कनेक्टिविटी टूरिज्म्स हैं ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लाए जाएँ हमारे आइलैंड्स पर भी, जैसे कि लक्षद्वीप है वहाँ पर भी कुछ टूरिज्म एक्टिविटीज़ करवाए जाएँ, वहाँ पर भी कुछ नए नए कहते हैं डेवलपमेंट्स हों, जिससे कि हमारे जो टूरिस्ट हैं वो आइलैंड्स तक भी कनेक्ट हो सके। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 1,00,000 करोड़ तक का जो लोन है वो प्रोवाइड होगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड होगा 50 इयर्स तक के लिए। और स्टूडेंट्स, इस लोन में जो हमारा प्राइवेट स्केल रिसर्च है और इनोवेशन है उसे एनकरेज करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपने हेल्थ के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने हेल्थ के बारे में। स्टूडेंट्स, आयुष्मान भारत को एक्सटेंड किया जाएगा आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स तक, ताकि इसके लिए जो आंगनवाड़ी हो गए फिर आशा वर्कर्स हैं उन्हें भी इसकी सर्विस को प्रोवाइड हो सके। ओके स्टूडेंट, और उसके साथ साथ जो हमारे ऑल मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर स्कीम्स हैं उन्हें भी लाई जाएंगी, जिससे हमारे जो मैटरनल्स होती हैं फिर हमारे जो हेल्थ चाइल्ड होते हैं उनके लिए हेल्थ पर भी कोई इश्यूज ना रहे। ओके स्टूडेंट, और जो हमारे स्टूडेंट सर्विकल कैंसर वैक्सीन है उसे भी सेंटर एनकरेज कर रहा है कि वैक्सीन प्रोवाइड हो, जो फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना रहे। ओके, अब हम पढ़ते हैं हाउसिंग और माइक्रो फाइनेंस के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम लाए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस आवास योजना में जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने 3 करोड़ हाउस तक का टारगेट रखा था, लेकिन ये टारगेट हमारा बीच में रह गया था कोविड-19 की वजह से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अब 2 करोड़ मोर हाउसेज को भी बनाने जा रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। एज अ गवर्नमेंट का कहना है कि हम अगले 5 साल तक 2 करोड़ नए घर का भी चैलेंज पूरा करेंगे, अपना टारगेट पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारे पीएम जी ने एक नई स्कीम को और लॉन्च किया था, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को, जो हमारे प्रोवाइड करेगी जो हमारे आर्टिशंस ने एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है कि जो हमारे आर्टिशंस हैं उन्हें भी विश्वकर्मा स्कीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। स्टूडेंट्स, पीएम स्वनिधि स्कीम्स के अंडर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे उन्हें क्रेडिट असिस्टेंट दिए जाएंगे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारी पीएम मुद्रा योजना है उसके अंडर हमारी गवर्नमेंट ने 43 करोड़ का लोन भी लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर और फिशरीज के बारे में। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज के सेक्टर में जो हमारी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी PMKSY, स्टूडेंट इस स्कीम के तहत हमारे गवर्नमेंट ने फार्मर्स को 38 तक का बेनिफिट दिया गया, और उसके साथ साथ हमारे 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की थी हमारी गवर्नमेंट ने। स्टूडेंट्स, एक नई स्कीम थी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना। स्टूडेंट इस योजना के तहत हमारी गवर्नमेंट ने 24 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और 60,000 इंडिविजुअल्स विद क्रेडिट लिंकेज भी दिए गए थे हमारे गवर्नमेंट ने, ऐसे कहा है, ऐसे बोला है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट ने एक नए डिपार्टमेंट की बात की है जिसे मत्स्य संपदा है, इस डिपार्टमेंट की बात किया है जिसमें जो फिशरमैन होते हैं उनकी नीड का ध्यान रखा जाता है, तो गवर्नमेंट उनकी नीड के हिसाब से काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है नैनो डैप के बारे में। नैनो क्या है? नैनो डी अमोनियम फॉस्फेट है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है जो वेरियस क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और हमारी गवर्नमेंट जो हमारे डेयरी फार्मर्स होते हैं उन्हें भी एनकरेज कर रही है, जो हमारी फूड एंड माउथ डिजीज होती है हमारे डेयरी एनिमल्स को, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कदम रख रही है। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम ना लास्ट देखते हैं अपना MSME के बारे में। स्टूडेंट्स हमारा जो स्किल इंडिया है उसके लिए जो हमारा प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव्स हो गए, फिर हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हो गए स्टूडेंट्स, उनसे रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट जो हमारे यूथ है उन्हें ट्रेन कर रही है। 1.4 करोड़ यूथ को हमारे ट्रेन कर रही है। उसके जो हमारे 54 लाख यूथ है जो ट्रेन हो चुके हैं उनके ऊपर इस अप स्किलिंग उनके रीस्किलिंग के ऊपर काम करिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये थे हमारे बजट के कुछ हाइलाइट्स जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में अपने बजट पेश करते हुए बोला है, उनके उसके मैंने आपको फुल हाइलाइट्स दिखा दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज की वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।